हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेबी डॉज कॉइन और यहां पर बीटीटी कॉइन के बारे में कि आपके फ्यूचर के लिए कौन सा कॉइन बेस्ट है और कौन सा कॉइन कितना अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो बेबी डॉज कॉइन और बीटीटी, यहाँ पर कॉइन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के बारे में, तो यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन का अभी करंट प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें अपन इसका डॉलर में प्राइस, तो यहाँ पर देख सकते हो 0.80312 के आसपास यहाँ पर आपको डॉलर में इसका करंट प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात कर लेते हैं INR में इसका अभी करंट प्राइस, तो आपको बेबी डॉज कॉइन का भी करंट प्राइस देखने को मिल जाएगा कि 0.602383 के आसपास यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन का यहाँ पर INR में अभी करंट प्राइस चल रहा है। अगर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर सप्लाई की, तो जो टोटल सप्लाई बेबी डॉज कॉइन की है, तो यहाँ पर 420 क्वार्टर ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर आपको बेबी डॉज कॉइन की करंट सप्लाई देखने को मिल जाएगी। टोटल सप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यह बेबी डॉज कॉइन हो या अन्य कॉइन हो, इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है बहुत ही मायने रखती है। इन्हीं से पता चलता है कि किस कॉइन का प्राइस कब अच्छा खासा जा सकता है, क्योंकि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इन्हीं से कॉइन के प्राइस वगैरह पर फर्क पड़ता है। अब अपन बात कर लेते हैं जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है जिसकी, तो 160 क्वार्टर ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल जाएगी, जिसमें से आप देख सकते हो कि इनकी देख सकते हो बराबर में 260 क्वार्टर ट्रिलियन यहाँ पर आपकी सप्लाई देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर इनके होल्डर्स की, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इनके होल्डर्स हैं 5% होल्डर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पैंकेक शॉप वगैरह, और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हैं, जो इनके ट्रांजेक्शन हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पर 5% इनकी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पोल्स वगैरह। और यहाँ पर जो वर्निंग मेन चीज़ जो इनकी वर्निंग होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वर्निंग इनकी वर्निंग होती है जो बहुत ही मायने रखती है इन कॉइनों की, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर जो फेस फाइव है, तो बेबी डॉज कॉइन का फेस फाइव आप देख सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो रिलीज बेबी डॉज कॉइन रिलीज बेबी डॉज स्वैप, मतलब कि जो इनके एक और कॉइन आने वाला है जिसका नाम है बेबी डॉज स्वैप। और अगर अपन बात करें रिलीज जो इनके एक और कॉइन आप देख सकते हो NFT मार्केट में, यहाँ पर जो इनका कॉइन आने वाला है NFT मार्केट, यहाँ पर NFT कलेक्शन जो कि इनका होने वाला है, तो आने वाले समय में जो कि जो कॉइन आएंगे आपको यहाँ से भी जो इनकी जो कि इनकी प्राइस है वो आपको इसकी प्राइस में अच्छा खासा आप देखने को मिल सकता है। गिव ओवर यहाँ पर टेल्स, यहाँ पर देख सकते हो टेस्ला 2, मतलब जो इनकी कम्युनिकेटी है वो देख सकते हैं। एलोन टीवी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एक्सचेंजेस, अगर बेबी डॉज कॉइन के एक्सचेंजेस की बात करें अपन, तो जो बेबी डॉज के एक्सचेंजेस हैं जो अभी आपको देखने को मिल जाएंगे करंट में, जो बेबी डॉज के एक्सचेंजेस हैं लगभग 24 एक्सचेंजों पर यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन यहाँ पर लिस्टिंग है। और मैं आपको साथ ही साथ बताऊँ, तो यहाँ पर जो कि अगर आप इसको कंपेयर करते हो सिबा INU से, तो सिबा INU के जो एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग है लगभग 170 एक्सचेंजेस पर सिबा INU की लिस्टिंग है। तो वहां से यहाँ पर आप देख सकते हो सिबा INU के कई होल्डर्स हैं, और यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपको मैं बता दूंगी होल्डर्स तो यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन की भी हैं, लेकिन सिबा की बराबर में अभी इसके जो होल्डर्स हैं वो नहीं है। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, तो जो सिबा INU का फर्क पड़ता है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि जो सिबा INU का प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस है आपको देखने को मिल जाएगा कि बेबी डॉज कॉइन ओनली यहाँ पर 24 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग है, और वहीं पर जो सिबा INU है, अगर सिबा INU से कंपेयर करते हैं अपन, तो जो सिबा INU का लिस्टिंग है वो लगभग 170 एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग है, इसलिए सिबा INU का प्राइस भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। अब अपन कंपेयर करते हैं बेबी डॉज का यहाँ पर बीटीटी के कॉइन से, तो यहाँ पर देख सकते हो जो बीटीटी कॉइन का यहाँ पर करंट प्राइस है आप देख सकते हो, वो अगर डॉलर में CP की बात करें इसका, तो आप देख सकते हो 0.00181 के आसपास यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन के यहाँ पर देखने को मिल रहा था, कि बेबी डॉज कॉइन का यहाँ पर प्राइस देख सकते थे 0.8031 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 312। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो बीटीटी यहाँ पर का प्राइस देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो 0.00185 के आसपास यहाँ पर डॉलर में जो BTT कॉइन का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर अपन INR में BTT कॉइन का अगर यहाँ पर प्राइस देखें, तो 0.1411 के आसपास यहाँ पर आपको यहाँ पर BTT कॉइन का यहाँ पर प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मार्केट में रैंक है, करंट मार्केट में रैंक देखें BTT कॉइन की, तो यहाँ पर 209वें नंबर पर अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर सप्लाई की, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो टोटल
टोटल सप्लाई है यहाँ पर जो बीटीडी कॉइन की, तो यहाँ पर जो सप्लाई है 9. से यहाँ पर देख सकते हो 990 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर बीटीडी कॉइन की यहाँ पर सप्लाई है, और टोटल सप्लाई अपन देख सकते हैं सर्कुलेटिंग यहाँ पर जो सप्लाई है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, देख सकते हो कि यहाँ पर 224 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 66 ट्रिलियन यहाँ पर आपको इसकी सप्लाई देख सकते हो। बल्डेस्ट लेजेंड यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड शेयरिंग यहाँ पर टूल्स है इसका आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो कि कॉइन है आपको इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हो बीटीटी विट्रॉन यहाँ पर वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है सिंपली टू फिलिप फाइल्स, मतलब जो फाइल्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो फाइल्स ओपन नहीं होती, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी फाइल को शेयर करते हो और वो ओपन नहीं होती, तो यहाँ पर इसका वर्क यह होता है कि सिंपली फाइल इनको डाउनलोड करता है। और अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर जो देख सकते हो आप कि विट्रॉन वेबसाइट, जो कि विट्रॉन वेबसाइट के बारे में अपन देख सकते हो, विट्रॉन वेबसाइट है जो वेबसाइट है तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट है बिट्रॉन वेबसाइट, यहाँ पर जो कि इसकी जो काम होता है काम इसका यह होता है कि जो भी फाइल्स अपन डाउनलोड करते हैं, जैसे कि YouTube से अपन ने किसी भी फाइल को डाउनलोड किया, किसी सॉन्ग वगैरह को डाउनलोड किया, तो वहाँ पर जो YouTube से अगर कोई भी सॉन्ग यहाँ पर डाउनलोड होता है तो वो ईजिली वहाँ के डाउनलोड ऑप्शन में चला जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो डाउनलोडिंग में यहाँ पर प्रोसेसिंग चलती है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग चलती है, तो इसका काम यह होता है कि जो कि आपने भी डाउनलोड किया है इसको बहुत फास्टली यहाँ पर काम करता है और बहुत जल्दी इसको डाउनलोड कर देता है। अब अपन बात कर लेते हैं बिट्रॉन, यहाँ पर देख सकते हैं बिट्रॉन क्लासिक, तो यहाँ पे जो बिट्रॉन क्लासिक है इसका यूज किया है वो मैं आपको बता दूं, तो आप वेरी यहाँ पर देख सकते हो फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो विट्रॉन क्लासिक का यूज है वो देख सकते हो आप कि यह जो कि विट्रॉन क्लासिक है आपके जो भी यहाँ पर अगर फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पर सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ही आसानी से डाउनलोड वगैरह करवाता है। अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एक्सचेंजेस की, तो जो आपने देखा होगा यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन है यहाँ पर 24 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, तो यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा बीटीटी है ना वो 31 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग है। अब अपन बात कर लेते हैं कौन से कॉइन को आपको खरीदना चाहिए, कितना खरीदें, तो यहाँ पर आपको बता दूं अगर आप बीटीटी यहां पर बीटीटी में अगर आप अपना फंड 1,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो मैं आपको बताऊँ तो कम से कम 800 रुपये आप VTT में इन्वेस्ट करिए। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ बेबी डॉज कॉइन में भी आपको 200 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बेबी डॉज कॉइन भी कोई ऐसी वैसी कॉइन नहीं है, यह भी आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है। लेकिन यहाँ पर जो VTT कॉइन है यह भी आपको बहुत ही भारी से प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है आने वाले समय में। तो मैं आपको बताऊं तो आप कम से कम यहाँ पर अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 800 BTT में इन्वेस्ट करिए, 200 करिए यहाँ पर जो कि यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन है इसमें। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें कि कौन सा कॉइन में आप इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन है उसमें इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, और VTT कॉइन में भी मैंने अपना इन्वेस्ट कर रखा हुआ है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कौन सी कॉइन में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो अपन वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, तो अब अपन वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं।